भारत में जो लोग टू व्हीलर को गाड़ियों के द्वारा ट्रांसपोर्ट करते हैं उनके लिए एक बड़ी खबर है। रोड मिनिस्ट्री के द्वारा एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है जो कि सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स के तहत है। अब इसमें क्या है कि पहले जो जिन ट्रेलर्स के द्वारा या रिजिड बॉडी व्हीकल्स के द्वारा जो टू व्हीलर्स ट्रांसपोर्ट किए जाते थे उसमें केवल डबल डेकर तक अलाउड था, यानी कि दो परत में जो टू व्हीलर्स थे उनको अरेंज करके एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाया जा सकता था। लेकिन अब उसमें चेंज करते हुए ये कर दिया गया है कि तीन लेयर यानी थ्री डेक उसमें जो टू व्हीलर्स है उनको अरेंज करके ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। इससे जो जो लोग टू व्हीलर के ट्रांसपोर्ट में एंगेज है उनके लिए ये फायदा होगा कि वो ज्यादा व्हीकल्स को ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे, उनकी जो लोडिंग कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी, ट्रांसपोर्ट कैपेसिटी बढ़ जाएगी। दूसरी तरफ आम आदमी और सरकार को ये फायदा होगा कि इससे जो है एमिशंस की जो प्रॉब्लम है वो रिड्यूस होगी। तो ये सेंट्रल मोटर व्हीकल जो रूल हैं उनमें बदलाव करते हुए केंद्र सरकार ने अभी किया है।